वज्रमुक्ति योग में आपका स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में ध्यान के बारे में बताया था, अब ये ज़ेन एंड मार्शल आर्ट, ज़ेन क्या है मैंने अपनी किताबों में लिखा हुआ है। ज़ेन इंडिया से ध्यान वर्ड, चाइना में चान और जापान में ज़ेन बन गया। फिलोसॉफिकली इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, कैसे एनर्जी वर्क करती है। पर क्योंकि अपने लोग समझे इसलिए मैं पहले बॉडी मैकेनिक्स के बारे में बताता हूँ। बॉडी मैकेनिक्स कुछ इस तरह काम करती है, जैसे अभी मेरा हाथ पकड़ा किसी व्यक्ति ने, तो हम आनंद फानन जल्दी में इस तरह अगर इस डायरेक्शन से हाथ छुड़ाएंगे तो डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में इसका हाथ मजबूत है बॉडीली भी, तो देखिए अब मुश्किल होगा। तो अगर मैं इस डायरेक्शन से छुड़ाऊंगा जहां इसके ये वीक होता है, किसी का बड़े से बड़ा आदमी पहलवान ही पकड़ा छुड़ा सकते, तो यहां पे आराम से आसानी से छुड़ जाएगा। ये बॉडी की मैकेनिज्म ऐसी है। अब अगर इसने जैसा अगर सेम हाथ ये पकड़ेगा तो हम इसमें टेक्निक यूज कर सकते हैं। जैसे हमने ये हाथ ऊपर ले लिया, अपने आप छोड़ जाता है, और हम अगर इस हाथ को यूं पकड़ लें, अब हम बॉडी के जो मैकेनिज्म है, ये जॉइंट किस तरह काम करता है उस पे काम करते हैं, और हम ऐसे पकड़ के यूं कर दें, ऐसे हम आइकिडो वाले में ऐसे यूज भी कर सकते हैं, पर हम इसको इस तरह करेंगे जैसे कि जो यूज होता है, इसको पकड़ लिया और ये पॉइंट पे ध्यान देंगे, ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, तो ये आदमी कुछ नहीं कर सकता। अब यही चीज अगर ये सेम हाथ पकड़ा, अगर हम दूसरा हाथ पकड़ेंगे तो इसमें हम दूसरी बॉडी मैकेनिक्स को समझते हुए इसको ऊपर भी ले आ सकते हैं। इसको ऐसे करके हम अगर हम इसको पकड़ लेंगे इस हिस्से को और इसको पकड़ के ऐसे करेंगे तो ये आगे नीचे गया है अपने आप। तो ये बॉडी मैकेनिक्स है। बॉडी इन सब जॉइंट की कुछ कमजोरियां हैं और उसको हम पकड़ करके कार्य करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। उसी तरह अब इन जॉइंट्स में इन सब में, जैसे मैंने पहले बताया लास्ट वीडियो में कैसे पंच से एनर्जी जाती है, हम इसको सब सोचते हैं ध्यान में, ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरह अब ये इस जॉइंट में, इन जॉइंटों में कोई की फ्लो करता है, एनर्जी फ्लो करती है, उसको समझना जरूरी है। उसको हम समझेंगे, जैसे आपने देखा होगा हमारे देवताओं के पीछे ऐसा वलय जैसा होता है सर के पीछे, एक्चुअली पूरे शरीर में होता है, क्योंकि इसके भी वलय, इसके शरीर के आजू बाजू एनर्जी घूमती है, वैसे मेरे भी घूमती है। अब हम जैसे अगर इसके हाथ को हम छूते हैं तो इससे पता चलता है, और हम अपना टेलीपैथिक मैसेज इस व्यक्ति को भेजते हैं, ये हमें भेजता है। जैसे अगर मैं इंटर करता हूँ, इससे पता लगता है एक्सटेंड, यहाँ मेरी एनर्जी यहाँ तक एक्सटेंशन ठीक है। जैसे ही अगर मैं एनर्जी ज्यादा एक्सटेंड होता है, ये हमको खींच लेगा, फेंक देगा हमको। उसी तरह अगर ये हमारे पास आएगा, हम फेंक देंगे। ये अवेयरनेस ड्रिल है जो हम वज्रमुक्ति में करते हैं। ये समझने की बात है, क्योंकि हम जो कर रहे हैं ये फाइटिंग नहीं है, ये अपने आप को जानने का एक रास्ता है, जिसे मैं वज्रमुक्ति फ्रॉम एक्शन टू लिबरेशन कहता हूँ। मैं मुंबई में सिखाता था ये स्टाइल, ये मेरा अपना बनाया हुआ स्टाइल। अब इसी को हम अगर दो हाथ से करते हैं तो हम, जैसे मेरी एनर्जी आती है इसके समझ में आता है, ये अगर करता है मेरे समझ में आता है, तो हम इसको किसी तरह लॉक कर सकते हैं, हम यहाँ से जा सकते हैं, ये हम ब्लाइंड साइड में आ गए। तो इस तरह हम इसको एनर्जी को समझते हैं इसमें, ये तरह का ध्यान है, मूविंग मेडिटेशन कहेंगे इस ध्यान को, यही वज्रमुक्ति है। इसीलिए मैंने जो लास्ट वीडियो में समझाया था उसका कंटिन्यूशन है, मैं आगे समझाते रहूंगा इस तरह।